जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं JEE मेन 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपके सेशन फर्स्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रोटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ये ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आने के बाद में आपको प्लस न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी डिटेल्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फीस, ये सब जानकारी आपको दी गई है। ये सभी चेक करते हुए आप यहाँ पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट टिक करने को बोले, जैसे कि यहाँ पर है कि आई हैव डिजीलॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाइड थ्रू डिजीलॉकर, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। सेकंड है कि आई डो नॉट हैव डिजीलॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई डिजीलॉकर अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पर है कि आई हैव अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी ABC ID, या फिर आई डो नॉट हैव अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी यानी कि ABC ID। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक टिक करना है। जैसे कि अगर आप यहां पर आई हैव डिजीलॉकर अकाउंट ये क्लिक करते तो फिर आपको यहां पर डिजीलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके आगे बढ़ना है। और एक सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि आई हैव ए नॉन इंडियन पासपोर्ट, यानी कि अगर आप इंडियन नहीं है तब आप ये टिक करेंगे। एक है आई हैव ए पैन कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग पैन, तो अगर आप ये करना चाहते तो आप यहां पर ये कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर यहां पर बोला है कि आई डो नॉट हैव डिजीलॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई डिजीलॉकर अकाउंट, तो आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा एंड देन फिर आपको क्रिएट डिजीलॉकर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका फुल नेम एंटर कीजिए, जो भी आपका फुल नेम है ये आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। देन गाइज आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है एंड देन अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, एक 6 डिजिट का आपको यहां पर पिन बना लेना है एंड उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए और सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आता है वेरीफाई आधार, तो आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहां पर एंटर कीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपको एक और ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे अकाउंट ऑलरेडी एग्जिट, यानी कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है। बट आपका अकाउंट अगर नहीं बना हुआ है पहले से तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप फिर यहां पर साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जो नंबर यहां पर रजिस्टर किया है वो डालिए एंड देन फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। डिजीलॉकर अकाउंट बनाने के बाद में जैसे ही आप यहां पर साइन इन करेंगे तो आपको यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पर आपका यूजर नेम बना लीजिएगा और फिर यहां से आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में यहां पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर आपकी सभी इंफॉर्मेशन फैच की जाएगी। तो आप इन सभी को जैसे कि देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप इसको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे यहां पर ये सभी चीजें अवेलेबल है डिजीलॉकर अकाउंट पर। इसके बाद में यहां पर आपको कुछ और अन्य इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहां पर गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कंसेंट वैलिडिटी डेट प्लस 30 डेज, यानी कि 30 डेज तक ये आप कंसेंट दे रहे हैं। इसके बाद में पर्पस क्या है, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन अवेलिंग या फिर एजुकेशनल, तो आप पर्पस में एजुकेशनल सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद में गाइज आप यहां पर अलाउ कर दीजिए, अलाउ करने के बाद में आपकी ये जानकारी आ जाएगी। तो अब आपको यहां पर बोला यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, काइंडली लॉग इन विद सेम डिटेल्स, तो अब आपको यहां पर सेम डिटेल के साथ में लॉग इन करना है। तो गाइज इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इसमें पहले अप्लाई किया था तो आपकी यहां पर जानकारी दी हुई है, पहले से जानकारी आपकी भरी हुई है, इसलिए यहां पर आया है यू आर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, काइंडली लॉग इन विद सेम डिटेल। तो अब आपको यहां पर सेम डिटेल के साथ में लॉग इन करना है। अब कुछ कैंडिडेट की प्रॉब्लम ये होगी कि सर मैं अपना पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर भूल चुका हूं, जो कि मैंने प्रीवियसली जब फॉर्म को भरा था तब
वो मुझे मिला था। तो उसके लिए गाइज आपको दोनों विकल्प दिए गए हैं, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, फॉरगॉट पासवर्ड। तो अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूले हैं तो आप यहाँ पर पहले फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका नाम डालना है, वही वाला जो कि आपने फॉर्म भरते समय इस्तेमाल किया था। और इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, वही वाली जो कि आपने उस वक्त रजिस्टर की थी। फिर ये कैप्चा कोड डालिएगा एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में गाइज अब आपको आपका पासवर्ड रिसेट करना है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट योर पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर रिट्रीव ए सिक्योरिटी क्वेश्चन रिट्रीव वाया लिंक टू लिंक सेंड टू ईमेल, यानी कि जब आपने फॉर्म को फिल किया था वहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, अगर आप उसके माध्यम से रिसेट करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कीजिए जो कि अभी आपको मिला है। सिक्योरिटी क्वेश्चन उस वक्त आपने क्या सिलेक्ट किया था वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसका आंसर वही वाला दीजिए जो कि आपने उस वक्त दिया था। और उसके बाद में सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। बट अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर याद नहीं है तो फिर रिट्रीव वाया लिंक सेंड टू ईमेल ये टिक कीजिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, अपनी ईमेल डालिएगा, ये कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कीजिएगा। इसके बाद में ईमेल पर आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा जो कि ओपन करके आपको आपका पासवर्ड ओपन कर लेना है। अब ये तो ही गाइज उन कैंडिडेट की जानकारी जो कि अपना पासवर्ड भूल चुके थे और पहले से रजिस्टर्ड थे, तो उनको कैसे उसको रिकवर करके लॉगिन करना है। अभी मैं बात करता हूँ फ्रेशर कैंडिडेट की, जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जिन्होंने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा है और ना ही जेई मेन में कभी अपीयर हुए हैं। तो फिर आप यहाँ पर नए सिरे से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो गाइज जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो यहाँ पर जैसे ही अपना डिजीलॉकर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे या फिर अगर डिजीलॉकर अकाउंट पहले से बना हुआ है और आप उसके माध्यम से लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, तो आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिए एंड देन फिर यहाँ पर जो आपका फादर नेम है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन गाइज आप यहाँ पर आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। डे मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। जेंडर आपका क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर फिर आपको एंटर करना है। अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका परमिशन नंबर नेम यानी कि आपके घर का नंबर या नाम है वो आप यहाँ पर लिखिए। आपका जो सब लोकेलिटी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद में आपकी लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर लिखिए। कंट्री के अंदर आपकी जो भी कंट्री है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है एंड फिर यहाँ पर आपकी सिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पहले कंट्री कोड सेलेक्ट कर ले फिर अपना नंबर डाले, नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करें, अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करें, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे, आपको ये दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग है तो अलग से भरने के लिए आप इसको अनटिक रहने दें और अलग से अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर दे। अब आते हैं चूज पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एक स्पेशल करेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल आपको करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तभी काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर या रिसेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका जो भी आंसर आप यहाँ पर दे रहे हैं वो आंसर भी आपको याद रखना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए, सभी जानकारी चेक कीजिए एंड देन सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे और इसके ऊपर टिक करेंगे, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यह है कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर टिक करेंगे एंड इसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल का ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में अभी आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से एप्लीकेशन नंबर सेंड किया गया है, आप उस एप्लीकेशन नंबर का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में गाइज अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका नंबर यहाँ पर मिलेगा, ये कैप्चा कोड
डालिए एंड देन सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके नंबर पर ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालिए, एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड इसके बाद में आप वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी कंप्लीट है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको फिर से चेक कर सकते हैं अगर आपको चेक करनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि क्या जानकारी आपको भरनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं कक्षा या फिर उसके बराबर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास किया या फिर आप कर रहे हैं, तो वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने 12वीं पास किया या फिर कर रहे हैं। इसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जनरल ओबीसी या फिर एससी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है कि इफ़ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आपको बताना है कि आपकी विकलांगता 40% से ज़्यादा, 40% या उससे कम या फिर है ही नहीं, तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपको मधुमेह रोग है, डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पैलेस ऑफ रेसिडेंस, तो आपको बताना कि ग्रामीण या फिर आपका शहरी, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके परिवार की जो सालाना या फिर वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या, आपकी तैयारी का तरीका कैसा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, इंडिविजुअल ट्यूशन, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम, तो आपने किस माध्यम से आपकी 12वीं की है या फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन यहाँ पर टिक करके आई एग्री पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम डिटेल आती है, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पेपर मीडियम, तो आपको सेलेक्ट करना है कि किस मीडियम में आप क्वेश्चन पेपर रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, तो जिसमें भी वो आई आप सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लाई फॉर बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर, बी बी टेक, तो जिसके लिए भी अप्लाई करें वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। आप तीनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको सेशन फर्स्ट एंड टू, यानी कि जब आपका सेशन टू आएगा अगर आपको उसमें भी अप्लाई करना है तो फिर आप यहाँ पर सेशन फर्स्ट एंड टू इसके लिए क्लिक कर दीजिए, ताकि जब आपका सेशन टू आए तो फिर आप उसमें इसी डिटेल का इस्तेमाल करके अप्लाई कर ले। बट अगर आपको सिर्फ सेशन फर्स्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहां पर सेशन फर्स्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप जो सिलेक्ट करना चाहे वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आता है कि फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पिताजी या फिर जो आपके फादर है वो क्या करते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल या अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आते हैं फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेम वे में आपको आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो बताना है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बतानी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि एग्जाम स्टेट चॉइस फर्स्ट, तो पहली चॉइस आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करनी है। देन यहाँ पर सेकेंड चॉइस आप किसको दे रहे, तो यहां पर दूसरे में भी उत्तर प्रदेश ही है, मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूं और जो उसकी सिटी है वो भी मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद में इसके बाद आएगी आपकी तीसरी चॉइस, तो तीसरी में भी आप एक ही स्टेट को चॉइस दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फोर्थ में भी एक ही स्टेट को चॉइस दे सकते हैं, बट सिटी सभी में अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो सबसे पहले टेंथ की जानकारी, तो यहाँ पर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो आप टेंथ और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर ले, पास स्टेटस में पास सेलेक्ट करें। फिर ईयर ऑफ पास आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है, वो साल आपको यहां पर इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। एंड देन पैलेस ऑफ स्कूलिंग, शहरी या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह का आपका स्कूल था, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या फिर प्राइवेट अनएडेड, अगर प्राइवेट है तो अनएडेड इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है यानी कि गवर्नमेंट द्वारा है प्राइवेट और उसमें गवर्नमेंट एडेड है सहायता देती है तो फिर आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, जहां पर आपने, जहां से आपने आपकी 10वीं पास की है। इसके बाद में किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, बेसिकली ये है कि कहाँ पर आपका स्कूल है और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये आपको बताना है। इसके बाद में किस बोर्ड से की है, आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका कक्षा 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र के अनुसार विद्यालय कॉलेज का नाम, तो आपको यहाँ पर आपके जो भी स्कूल कॉलेज का नाम है वो एंटर करना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर दीजिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आता है स्कूल कॉलेज एड्रेस, कहाँ पर आपका कॉलेज है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है।
इसके बाद में यहाँ पर आता है उसका पिन कोड। तो पिन कोड क्या है, पिन कोड में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग से कोई स्कूल कॉलेज का ही पिन कोड होता होगा, बट ऐसा नहीं है, ये पिन कोड वही है जहाँ पर आपका स्कूल स्थित है। मान लीजिए मेरा स्कूल है सहारनपुर के अंदर, तो सहारनपुर का जो पिन कोड है वो मैं सर्च करता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर इसको सर्च करते हैं तो इसका कोड आएगा 247001, तो 247001 यही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड हुआ। तो इसी प्रकार से जिस भी सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका स्कूल कॉलेज स्थित है, तो वहाँ का जो पिन कोड है वही आपके स्कूल कॉलेज का पिन कोड है, ये कोई अलग से नहीं होता है। अब आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर करना है, इसके बाद में यहाँ पर रिजल्ट मोड आपका क्या था, परसेंटेज या फिर CGPA, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आप बताएंगे कि टोटल मार्क्स आपके क्या थे, और अगर आपका CGPA तो आपका 9.5 के अकॉर्डिंग, CGPA के अकॉर्डिंग अपने नंबर यहाँ पर एंटर करने हैं। मेरे परसेंटेज ही है इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट किया हूँ। फिर यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स एंटर करता हूँ, उसमें जो नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करने हैं, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर आपके 12वीं की जानकारी एंटर करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको बताना है कि आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया है 3 ईयर ड्यूरेशन के साथ में, एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपका अलग से कोर्स है। या फिर यहाँ पर है हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, या फिर इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, या फिर दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ दी 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज स्टेट सेंट्रल स्टेट बोर्ड, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर आपने CBSE बोर्ड से भी किया है तो आप यहां पर वो भी टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने किसी स्टेट से, आपकी स्टेट बोर्ड से आपकी जो 12वीं हो की है, जो 10+2 होती है सिंपली, तो आप यहां पर ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा है कि एक कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आउटसाइड इंडिया, तो ये आउटसाइड इंडिया के लिए बेसिकली ये आपको नहीं करना है। अगर आपने सिंपली किसी स्टेट बोर्ड से या फिर CBSE बोर्ड से आपकी 12वीं की है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं, तो जो भी स्टेटस है वो आप यहां पर टिक कीजिएगा। एंड इसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने पास की है। एंड फिर यहां पर गाइस आपको पैलेस ऑफ स्कूलिंग सेम वे में बतानी है, स्कूल कॉलेज टाइप आपको यहां पर बता देना है जो भी है आपका। एंड फिर यहाँ पर आपको आपकी स्टेट बतानी है, उसके अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने की है वो आपको बताना है। एंड फिर आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेम वे में आप यहाँ पर 12वीं का जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो एंटर करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में उसका जो पिन कोड है वो आप लिखेंगे, बेसिकली उसका पहले एड्रेस लिखेंगे और फिर उसका पिन कोड लिखेंगे, एंड देन 12वीं का रोल नंबर, और फिर आपका रिजल्ट मोड, इसके बाद में यहाँ पर आपके टोटल नंबर, जो नंबर आपको फिर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी, कैप्चा कोड भरेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पर पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आती है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर गाइज आपको आपकी पहले तो कंट्री सेलेक्ट करनी है, या बेसिकली आपको अभिभावक की इन्फॉर्मेशन देनी है आपके, फिर आप कंट्री कोड सेलेक्ट करेंगे, जो आपके अभिभावक है उनका नंबर आपको एंटर करना है, उनका ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है, इसमें आप आपके भाई बहन माता पिता किसी का भी डिटेल दे सकते हैं। एंड फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड उसके बाद में गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर जो ईमेल आईडी और नंबर आपने अभिभावक का भरा है, आपके पेरेंट का भरा है, उसके ऊपर OTP गए होंगे ईमेल पर भी और नंबर पर भी, आप मोबाइल और ईमेल वाला दोनों OTP यहां पर भर देंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद में वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जानकारी सेव हो चुकी है। अब आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, फोटो का फॉर्मेट देख सकते हैं JPEG या फिर JPG, साइज 10 से 200 KB के बीच में, साइन का साइज 4 से 30 KB, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की, आप देख सकते हैं यहां पर वो अपलोड हो चुकी है। अब आपको सेम वे में आपका जहां पर साइन है वो सेलेक्ट करना है एंड यहां से ओपन कर लेना है, तो आप देखेंगे कि जो आपका साइन है वो भी सिंपली अपलोड हो जाएगा, कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं आया है। तो अब आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपने यहां पर जितनी भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर के अभी तक, वो सभी आपके सामने, आप यहां पर एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो फिर आप यहां पर उसको बैक में जाकर के सही कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में गाइज अब आप यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग JEE मेन सेशन फर्स्ट
2024 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, मैंने सभी जानकारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।